महासागरीय निक्षेप हम लोग पढ़ रहे थे। कल की कक्षा में भी हम लोगों ने महासागरीय निक्षेप के बारे में पढ़ा था। तो महासागरीय निक्षेप या ओशियन डिपॉजिट किसे कहा जाता है, ये हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ लिया था। महासागरीय निक्षेप में आज अपने कल हमने पहला पार्ट जो पढ़ा था वो बजरी के बारे में पढ़ा था, और बजरी के कई प्रकार हमने पढ़ लिए थे। और दूसरा जो हमने पार्ट आज शुरू करना है वो आज पढ़ना है अपने को रेत के बारे में। तो सुनो ध्यान से कि रेत किसे कहा जाता है। राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं थार का मरुस्थल। तो थार का जो मरुस्थल है, इस थार का मतलब रेत होता है बच्चों। थार का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है, रेत होता है। और रेत किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा की बात करें तो रेत कहते हैं हम लोग कि 1 मिमी, 1 मिलीमीटर या मिमी, 1 मिमी से 1/16 मिमी, 1/16 मिमी व्यास वाले जो कण होते हैं, 1/16 मिमी तक या इतना जो जिन कणों का व्यास होता है उन्हें हम क्या कहा जाता है, रेत कहा जाता है। और आकार के आधार पर जो है रेत 5 प्रकार की होती है। आकार के आधार पर रेत 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार आता है वो आता है अत्यधिक मोटी रेत। पहला प्रकार अत्यधिक मोटी रेत, और दूसरा जो इसका प्रकार बनाया गया है वो है मोटी रेत, अत्यधिक मोटी रेत, और दूसरा आता है मोटी रेत, और तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है मध्यम रेत। तीसरा प्रकार मध्यम रेत का है, और चौथा जो इसमें प्रकार है वो है बारीक रेत। चौथा प्रकार है बारीक रेत, और पांचवा जो प्रकार रहता है वो रहता है अत्यधिक बारीक रेत। अत्यधिक बारीक रेत कहते हैं। तो ये आकार के आधार पर रेत को 5 भागों में बांटा गया है। अब हम देखें कि अत्यधिक मोटी रेत कौन सी होती है। वह रेत के कण जिनका व्यास 1 मिमी होता है उन्हें हम लोग अत्यधिक मोटी रेत कहते हैं, और जिस रेत के कणों का व्यास 0.5 मिमी होता है उसे हम लोग मोटी रेत कहते हैं, और जिन रेत के कणों का जो व्यास है वो 0.25 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम रेत कहते हैं, और बारीक रेत कहते हैं हम लोग 0.125 मिमी व्यास वाले जो कण होते हैं उनको हम लोग बारीक रेत कहते हैं, और अत्यधिक बारीक रेत कहते हैं 1/16 मिमी व्यास वाले जो रेत के कण होते हैं उन्हें हम लोग अत्यधिक बारीक रेत कहते हैं। इसके बाद सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं वो सिल्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि सिल्ट किसे कहा जाता है। तो सिल्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है, हिंदी में अपने इसको गाद कहते हैं। तो गाद की परिभाषा क्या होगी या सिल्ट की परिभाषा क्या होगी। 1/16 तक हमने रेत का पढ़ा है बच्चों, तो 1/17 मिमी से लेकर और 1/256 मिमी, 1/256 मिमी व्यास वाले जो कण होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, सिल्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि मृत्तिका किसे कहते हैं, मृत्तिका या मिट्टी की अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में इनको क्ले कहा जाता है बच्चों, ठीक है, तो इंग्लिश में क्ले कहते हैं। तो मृत्तिका किसे कहा जाता है ये हम लोग देखें, तो 1/257 मिमी से, 1/257 मिमी से 1/8192 मिमी व्यास वाले जो कण होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मृत्तिका के नाम से जाना जाता है या मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो महासागरीय निक्षेप में हम लोग बात करेंगे तो वो बात करेंगे हम लोग पंख की, या पंख को हम कहते हैं मुड कहते हैं बच्चों। तो पंख, और पंख को वैसे अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो पंख को इंग्लिश में कहते हैं मुड कहा जाता है बेटो, ठीक है। और पंख को अगर साधारण भाषा में हम लोग लिखें तो उसको हम कीचड़ लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, कीचड़, तो इसको कीचड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी आपको बहुत सारी बातें इसमें याद रखनी है कि इनमें क्या क्या अंतर होता है। अब देखो कीचड़ के बाद में देखो पंख,
पंख का आकार जो होता है ये मृतिका से काफी छोटा होता है, मृतिका से काफी छोटा होता है, ये आपको याद रखना है। मृतिका से भी जो छोटे व्यास वाले जो कण होंगे उनको हम किस में शामिल करते हैं, पंख में शामिल किया जाता है या मुड कहते हैं इनको। और मर्रे जो महोदय है, मर्रे जो भूगोलवेत्ता है, मर्रे ने रंग के आधार पर पंखों को तीन भागों में विभाजित किया है, रंगों के आधार पर पंख को तीन भागों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला होता है नीला पंख, सबसे पहला होता है नीला पंख होता है। इसके पश्चात में एक जो पंख का रंग बताया गया है वो लाल रंग का पंख होता है, या लाल पंख बोल सकते हैं इसको, लाल रंग का जो पंख होता है लोहा ऑक्साइड के कणों के कारण जो होता है, ठीक है, इसका जो लाल रंग होता है वो लोहा ऑक्साइड के कणों के कारण होता है। नीला जो पंख होता है इन पंखों में जीवाश्म युक्त या फॉसिल वाटर जिसको हम लोग कहते हैं, जीवाश्म युक्त जो जल होते हैं तो उसमें से इसका कारण रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और नीले रंग के बाद में एक जो पंख आता है वो आता है हरा पंख, ठीक है, हरा पंख। और हरा जो पंख होता है वो इस नीले पंख से ही उसमें परिवर्तन आता है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक अपक्षय और अपरदन के कारण जो नीले पंख का जो टूटना है उसके बाद में हरा पंख का निर्माण होता है बच्चों। और ये जो नीला पंख होता है ना इसका रंग जो होता है वो गहरा नीला होता है, इसका रंग गहरा नीला होता है, या ये लगभग किस रंग के समान दिखता है, काले रंग के समान दिखता है। तो अब आप लिखे सबसे पहले रेत के बारे में लिखे कि रेत किसे कहा जाता है, रेत या हेडिंग लगा लीजिए सैंड, बस।